दोस्तों अगर आप भी बहुत ड्रीम की शानदार चीज से कुछ हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों हम आपको बताएंगे जब साउथ अफ्रीका उतरी भारतीय टीम के 238 रन के लक्ष्य का पीछा करने। दोस्तों दूसरे ही ओवर में कप्तान साउथ अफ्रीका के तेम्बो बुआमा ये बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री पर तैनात थे विराट कोहली ने जिसे चमकर गेंदौर कैच पिला पकड़ी, जिसके चलते तेम्बो बुआमा दूसरे ही ओवर में एक और बार शून्य रन बनाकर आउट हुए। शदीप सिंह के हाथों ये उनका दूसरा डक है सीरीज का। उनके बाद आए थे रेली रॉसो, आधे ये भी अर्शदीप सिंह की गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए दिनेश कार्तिक, जिसके चलते दूसरा बल्लेबाज भी शून्य रन बनाकर आउट हो गया। रेली रॉसो मात्र शून्य रन बनाकर आउट हुए, एक ही ओवर में दो विकेट मिली। आप सभी को बता दो इसके बाद छठे ओवर में इस तरीके से अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाज व ऑलराउंडर आदम माकरम को क्लीन बोल्ड कर रख दिया। दोस्तों माकरम भी 33 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तीन विकेट चली गई थी ऑस्ट्रेलिया की लगभग 10 ओवर के अंदर ही, लेकिन उसके बाद आए डेविड मिलर ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और बल्लेबाजी को सेट किया। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे क्विंटन डिकॉक। दोस्तों क्विंटन डिकॉक भी एक धीमी पारी से भारतीय टीम के दिए हुए जख्म को भर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। दोस्तों ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजी अंत तक बरकरार थी। देखते ही देखते डेविड मिलर ने मैदान पर कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए और तूफानी बल्लेबाजी से डेविड मिलर ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाया डेविड मिलर ने और उनका साथ दे रहे थे क्विंटन डिकॉक। लेकिन क्विंटन डिकॉक की इस मुकाबले में गलती यह रही कि उन्होंने काफी ज्यादा धीमी पारी खेली। डिकॉक ने भी अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा गेंद इस्तेमाल की। 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया क्विंटन डिकॉक ने, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर काफी प्रेशर आ चुका था, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों पर 37 रनों की दरकार थी जीत के लिए, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों लेकिन उसके बावजूद भी डेविड मिलर ने अंत तक लड़ाई की। दोस्तों साउथ अफ्रीका कोई मुकाबला जिता तो नहीं पाए, लेकिन अपना शतक पूरा कर दिया डेविड मिलर ने। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ शतक लगा दिया डेविड मिलर ने। दोस्तों डेविड मिलर ने सिर्फ 46 गेंदों पर शतक पूरा किया, 106 रनों की नाबाक पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका अंत में आकर 16 रनों से मुकाबला हार गई और भारतीय टीम ने 16 रनों से मुकाबला जीती। अगर डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक 6 गेंदों पर 36 रन भी लगा दे तो भी यह मुकाबला डॉ रह जाता, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका ये मुकाबला हार गई। डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक ने जी जान लगा दी, लेकिन गेंदें नहीं थी साउथ अफ्रीका के पास, जिसके चलते 3 विकेट रहते हुए ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को रोक लिया और ये मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। इसी के साथ ये सीरीज को 2-0 से जीत चुकी है भारतीय टीम। दोस्तों आप भारतीय टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा T20I मुकाबला गुवाहाटी के मैदान पर। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस बार साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बो बुआमा ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों ने शुरुआत भारतीय टीम को तगड़ी दिलाई। रोहित शर्मा ने भी आक्रामक शॉट्स लगाए और KL राहुल ने भी आक्रामक शॉट्स लगाए। दोस्तों तभी 43 रन बनाकर सेट होकर रोहित शर्मा महाराज की इस गेंद को बाउंड्री पर खेल बैठे और बाउंड्री पर खड़े थे ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने इस तरीके से कैच लपक ली। रोहित शर्मा 43 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली। पिछले मुकाबले में भले ही ये फ्लॉप हो गए, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। उनके साथ KL राहुल ने तूफानी शॉट्स लगाकर पूरा किया अपना अर्धशतक। 227 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया राहुल ने, लेकिन 57 रन बनाकर इस तरीके से LBW आउट होकर केशव महाराज की गेंद पर रिव्यू भी ने बचा नहीं पाया। 57 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते KL राहुल आउट हुए। 14 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने आकर ऐसी रोमांचक बल्लेबाजी की विराट कोहली के साथ, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 5 गगनचुंबी छक्के व 5 गगनचुंबी चौके लगा दिए। लगभग हर स्टेडियम के कोने में सूर्य कुमार यादव ने आज गेंद के दर्शन कराए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक बल्लेबाजी की और पूरा किया अपना तूफानी अर्धशतक, वो भी सिर्फ 19 गेंदों में। दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ साथ विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी विराट कोहली सामने का शॉट खेल बैठे, सिंगल लेने की चक्कर में काफी आगे सूर्य कुमार यादव और पीछे से नॉर्थिया ने इस तरीके से सूर्य कुमार यादव को रन आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव हो गए रन आउट एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर। 61 रन लगाए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 22 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौके लगाकर सूर्य आउट हुए। उनके बाद आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दिनेश कार्तिक ने 7 गेंदों पर 17 रन जड़ दिए। दिनेश कार्तिक ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर और दूसरे एंड से कोहली 49 रन नाबाक गए, जिसके चलते भारतीय टीम ने 237 रन लगा दिए 3 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 237 रन लगा दिए, जो काफी बड़ा टोटल है। दोस्तों आप सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया लेजेंड्स बनाम श्रीलंका लेजेंड्स के बीच में। दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही टीमें कांटे की टक्कर की थी और ये मुकाबला खेला गया था इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के मैदान पर। सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। कुलासेकरा की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए सचिन तेंदुलकर 0 रन बनाकर। उनके सामने थे पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज नमन ओझा,
तेंदुलकर तो शून्य रन पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद न मनोजा ने रनों की गति को आगे बढ़ाया। उसके बाद आए थे सुरेश रैना, लेकिन ये भी चार रन बनाकर कुलेसेख रही गेंद पर मेंडिस को कैच देकर आउट हुए। नंबर चार पर आए थे हमारे भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह। युवराज सिंह से पहले विनय कुमार ने 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन युवराज सिंह इस मुकाबले मात्र 19 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 202 रन से विकेटें चार ही ली थी, लेकिन मनोजा ने रनों की गति को कभी कम नहीं होने दिया और लगा दिया इस मुकाबले में शतक। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन शतक लगाया एक फाइनल मुकाबले में मनोजा ने। दोस्तों मनोजा ने इस मुकाबले में 108 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन फिर भी उनके सामने से विकेटों का पतंग जारी था। दोस्तों इस तरीके से इरफान पठान आउट हुए, मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते इरफान पठान आउट हुए। दोस्तों के बाद आए थे यूसुफ पठान, ये तो 0 रन बनाकर उदाना की इस गेंद पर आउट हुए। दे सिल्वा को कैच देकर मात्र 0 रन बनाकर यूसुफ पठान भी आउट हुए। पिटे जा रही थी, लेकिन मनोजा खड़े थे क्रीज पर और मनोजा ने इंडिया लेजेंड्स की इनिंग को 155 रन तक पहुंचा कर रख दिया, जिसमें मनोजा ने 108 रनों की तूफानी पारी खेली 71 गेंदों में 15 चौके 6 छक्के लगाकर। मनोजा ने इस मुकाबले में अकेले बल्लेबाजी की। 155 रन भारतीय टीम ने लगा दिए थे। इतने पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका लेजेंड्स की टीम, इनकी शुरुआत भी खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें, सबसे पहले विकेट इस मुकाबले में गिरी इस तरीके से जयसूर्या के रूप में। जयसूर्या मात्र 5 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद क्रीज से बाहर आ बैठे मुनावीरा, जो कि दूसरे सलामी बल्लेबाज थे, ये भी 8 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक करतने दिलशान और उपुल तरंगा। इन दोनों के बीच में एक छोटी मोटी साझेदारी हो रही थी, तभी दिलशान भी मात्र 11 रन बनाकर आउट होकर रह गए। 200 रन के बाद उपुल तुरंगा भी इस तरीके से आउट हो गए कीपर के हाथों कैच देकर। उपुल तुरंगा भी मात्र 10 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते आउट हुए। चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए पावर प्ले में ही। उनके बाद गुरन रत्रे भी 19 रन बनाकर यूसुफ पठान की इस गेंद पर आउट हुए, जिसके चलते भारतीय टीम ने पूरा मिडिल ऑर्डर बर्बाद कर दिया श्रीलंका का और 99% भारतीय टीम यही मुकाबला जीत गई, जिसके चलते फाइनल में एक शानदार जीत मिली भारतीय टीम को और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की 2022 की विजेता बन चुकी है इंडिया लेजेंड्स की टीम। दोस्तों आप इंडिया लेजेंड्स के सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जल्दी शुरू होने वाला है दूसरा T20I मुकाबला। दोस्तों आइए पिछले मुकाबले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये सीरीज 3 T20I की सीरीज होगी। दोस्तों दूसरा T20I मुकाबला 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। पहला T20I मुकाबला समाप्त हो चुका है, जिसे भारतीय टीम ने जीता है। पिछली बार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके सामने भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की थी, जो कि 11 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज थे सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल, जिन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाकर साउथ अफ्रीका को पहले T20I मुकाबले में 8 विकेटों से हरा कर रख दिया था। दोस्तों ये चीज तो हो गई पहले T20I मुकाबले की, अब दूसरे T20I मुकाबले की बात करते हैं। दूसरे T20I मुकाबले में भी अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो रोहित शर्मा सबसे पहले गेंदबाजी को चुनेंगे, क्योंकि गेंदबाजी ही भारतीय टीम का सबसे बड़ा दम है। दोस्तों पिछली बार अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही 3 बड़े विकेट निकाले थे, उनके साथ केस गेंदबाजी की कमान संभाली थी दीपक चहर ने, इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले थे और ये दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर पूरे साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के पर छक्के उड़ाकर रख दिए थे पावर प्ले में ही, जिसके चलते भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी मिली थी गेंदबाजी में और मात्र 108 रन पर ही समेट पाई थी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को। इतना टारगेट पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की तरफ सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दूसरे T20I मुकाबले में भी रोहित शर्मा अगर टॉस जीते हैं तो वो इसी कहानी को दोहराएंगे। जी हां दोस्तों, इसी कहानी को एक और बार दोहराएंगे। रोहित शर्मा टॉस अगर जीते हैं तो फिर से गेंदबाजी ही करेंगे और भारतीय टीम में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, 2 अक्टूबर को भारतीय टीम दूसरे T20I मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया लेजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के बीच में। दोस्तों पहला सेमीफाइनल था। दोस्तों इंडिया लेजेंड्स के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर, शेन वॉटसन थे ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के कप्तान। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन और 2 रन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों उस मुकाबले में इस तरीके से आउट होकर रह गए शेन वॉटसन। दोस्तों शेन वॉटसन 30 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद 2 रन ने एक अच्छी पारी खेली और उनके साथ बेन डंक ने 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 26 गेंदों में। बेन डंक ने सबसे ज्यादा रन लगाए थे ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की तरफ से। दोस्तों इसी मुकाबले के बीच जोरदार बारिश के कारण इस मुकाबले को यहीं रुकाना पड़ा था। फिर दूसरे दिन 3:30 बजे से मुकाबला कंटिन्यू किया गया। दोस्तों अंत में आकर कैमरॉन व्हाइट ने 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 18 गेंदों में, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की टीम ने 171 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर सलामी बल्लेबाज बनकर आए। भारतीय टीम को 172 रन लगाने थे 120 गेंदों में। इतने टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शुरुआत उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं मिली, जहां सचिन तेंदुलकर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए रियर डॉन की गेंद पर। दोस्तों मुकाबले में कप्तान सचिन तेंदुलकर
10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 उनके बाद आए थे रैना, लेकिन ये भी याद है कि रेजा की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और बाउंड्री पर इस तरीके से फर्गुसन ने शानदार कैच लपक ली। रैना भी मात्र 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन मैदान पर डटे हुए बल्लेबाजी करते हुए नमन ओझा, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज से इनका बेहतरीन साथ देने आए हमारी भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह, देखते ही नमन ओझा ने कुछ तूफानी शॉट्स लगाए और पूरा किया अपना तूफानी अर्धशतक। 35 गेंदों पर अर्धशतक की पारी खेली नमन ओझा ने। दूसरे एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे युवराज सिंह, तभी वॉटसन की संदर आती गेंद को पढ़ नहीं पाई युवराज सिंह और हो गए क्लीन बोल्ड। इस तरीके से युवराज